हेलो दोस्तों हिंदी मेरा फिर से आपका स्वागत है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन यानी कि कार्यालय आदेश जारी हुआ है श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है और जो बीए बीए बी, बी सेकेंड ईयर और बीए बी ए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या फिर बी कॉम या फिर बी एस सी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हिंदी मिरर की वीडियो का बेनिफिट उठा, उठाते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ में एक लाइक तो बनता है आप तक सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और साथ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है वह सभी स्टूडेंट्स के आप शेयर किया कीजिए क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं तो हम आप सबकी केयर करते हैं और अगर आप शेयर करेंगे तो आप भी किसी ना किसी की केयर जरूर करेंगे चलिए शुरू करते हैं आपका कार्यालय आदेश जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है तो वह आया है आपके जो पेपर होना था एनवायरमेंट का 18 में पहले ट्वेंटी सिक्स डेट ठीक है उसके बाद फिर आपकी ये सेवेंटीन हुई फिर उसके बाद एटीन हुई अब एटीन के बाद भी आपकी डेट चेंज हो चुकी है रीजन है अभी पूरी जानकारी आपको देते हैं आपको सूचित किया जाता है कि श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की आधारभूत बी ए बी एस सी बी कॉम द्वितीय तृतीय वर्ष नया पाठ्यक्रम पर्यावरण विज्ञान यहाँ तक पहले इतना आधा समझ लीजिए नए पाठ्यक्रम के आज लास्ट पेपर था सॉरी पंद्रह में लास्ट पेपर था आपका ये पेपर जो ट्वेंटी उन वाला चेंज हुआ था वो पंद्रह में पहुंच गया था तो आपके पंद्रह लास्ट पेपर था नए पाठ्यक्रम वालों का तो उनकी जो एग्ज़ाम सबका एक साथ ही होना था बी ए बी एस सी बी कॉम नए पाठ्यक्रम और पुराने पाठ्यक्रम का भी दोनों का एक साथ होना था ये पेपर तो नए पाठ्यक्रम का जो ये सेवनटीन से एटीन हो गया था अब एटीन से भी वह डेट आपकी पोस्टपोन हो चुकी है और जो पुराने पाठ्यक्रम वाले हैं उनके एग्जाम चल रहे थे ठीक है उनके सभी एग्जाम आपका तो सिर्फ नया पाठ्यक्रम का और जो पुराने पाठ्यक्रम वाले हैं उनके सारे ही एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं सत्रह के बाद दिनांक जो है सत्रह के बाद की सभी परीक्षाओं को कल का पेपर होगा जिनका कल पेपर है सिक्सटीन में उन सबका पेपर होगा लेकिन उसके बाद के सारे पेपर पोस्टपोन कर दिए गए हैं और सत्ताईस तक ये पेपर नहीं होगा कोई भी सत्ताईस तारीख तक कोई भी पेपर नहीं होगा अब जितने भी एग्जाम रह गए हैं उनकी डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज नई डेट शीट आपकी आएगी तो आपकी जब वह डेट शीट आएगी तो तब तक हम आप तक वह जानकारी पहुंचाएंगे जब भी आपकी डेट शीट आएगी तब तक आपको क्या करना है हिंदी मिरर से जुड़े रहना है सब्सक्राइब कर लेना है आइकन हिट कर लेना है और शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं बी ए के जिससे उन तक ये जानकारी पहुँच पाए आपके जरिए चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और जाते जाते एक अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है इस पेपर से संबंधित ज़रूर सेंड कीजिए और भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सेंड कीजिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बने रहिए